हाय गाइस, नीलम हियर। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। नारियल यानी कि कोकोनट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे बहुत सी रेसिपीज बन सकती हैं। और इसी सीरीज में मैं एक और रेसिपी लेकर आ गई हूँ, कोकोनट कुकीज, जो क्रिस्पी, क्रंची, इसके साथ साथ टेस्टी भी है, जिसे खाने के बाद हाथ नहीं रुकता और खाने को मन करता है। बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता, जल्दी से बनाने जा रही हूँ कोकोनट कुकीज। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट जरूर करें। कोकोनट कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। और ये मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हमारा ये बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी सॉल्ट। 1 चुटकी मतलब लिटरली 1 चुटकी। अब इनको मैं क्या करूँगी, ये एक साथ मैंने इकट्ठे इसलिए डाले हैं ताकि जब हम इनको छाने ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो मैदा में अगर कुछ लम्प्स हैं वो भी निकल जाएंगे। ये मैंने जो बाउल में है हमारा बटर, ये ले लिया है 3/4 कप, अंदाजन 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये रूम टेम्परेचर पर है। अब मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको हल्का सा बीट कर लेती हूँ। अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ हमारी ये कैस्टर शुगर, और ये है 3/4 कप, तो इसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ और इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स करके इसको बीट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा ये क्रम्बली क्रम्बली हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड्स वाला ना पहले इकट्ठा कर लेते हैं, सो दैट जो साइड में रह गया है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और एक बार इलेक्ट्रिक बीटर फिर से चला देती हूँ। बस अब इसको मैं सारा निकाल लेती हूँ बाहर, और इसमें अब मैं बाकी की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं धीरे धीरे वो मिक्स करती हूँ। अब ये हमारा बीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो है ना कोकोनट चूरा, ये मैंने ले लिया है 1/2 कप, इसको इसमें मिक्स करते हुए स्पैचुला से ही मैं मिक्स करती जाऊँगी। बस इसको अच्छी तरह इसमें मैं मिला दूँगी हमारे कोकोनट चूरा को। और ये ड्राई वाला है, आप फ्रेश वाला बिल्कुल ना लें, जो ड्राई हमारा कोकोनट का आता है ना चूरा वही आप लेना, और इसमें धीरे धीरे इसको मिक्स कर दो। लेकिन ध्यान रखना, कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम जब ये मिक्सचर तैयार करते हैं आटे की तरह गूंद देते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें काफ़ी सॉफ्ट हैंड से और आराम से बड़े प्यार से उनको मिक्स करना होता है। तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास किसी का ईमेल आया था, उन्होंने नान खटाई बनाई, उसमें क्या किया, उन्होंने उस मिक्सचर को आटे की तरह गूंद दिया, तो वो वाला बात आई नहीं जो आनी चाहिए थी। फिर मैंने उन्हें लिखा कि नहीं, आप उसे बड़ी सॉफ्टली फिंगर्स से मिक्स कीजिए ताकि उसका जो बैटर है ना वो बड़ा सॉफ्ट फ्लफी रहे। तो उन्होंने दोबारा ट्राई किया और फिर थैंक यू बोला कि हाँ, अब मेरी नान खटाई बहुत ही शानदार बनी है। तो आप भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। तो देख लिया कैसे ये क्रम्बली है हमारा, राइट। अभी जो मैंने आपके सामने ये मैदा, सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर ये मिक्स करके मैंने छान लिया, अब मैं ये इसमें धीरे धीरे मिक्स करती जाऊंगी और मिलाती जाऊंगी। इसको भी धीरे धीरे आप सॉफ्ट, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप सॉफ्ट फिंगर से, हैंड से इसको धीरे धीरे लेकिन मिक्स करना है, गूंदना नहीं है आटे की तरह, प्यार से मिक्स करना है। क्योंकि मेजरमेंट्स मैं इतने करेक्ट आपको बताती हूँ कि आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे जैसे बोलती जाऊँ आप करते जाइए। उसके बाद देखिए आपकी क्या शानदार ये कुकीज़ तैयार हो जाएंगी, जिसे आप चाय के समय या कभी भी जब आपका जी करे खा लेना बिल्कुल, और मुझे याद ज़रूर कर लेना। बाकी का मैदा भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसको भी हम धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं। अब देखो हमारे कैसे क्रम्स बन गए हैं ये, और इसको आटे की तरह मैंने नहीं गूंदा। आप सोच रहे होंगे अगर ये क्रम्स हैं तो इसकी कुकीज़ कैसे बनेंगी, अरे बनेंगी ना, अभी बताती हूँ, देखो बस कुछ सेकंड्स और दे दो मुझे। अब ये देखिए हमारे ये क्रम्स तैयार हैं, मतलब इसमें मैदा और जो हमारा कोकोनट चूरा था वो भी मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको फिंगर्स से धीरे धीरे आपने मिक्स करना है ताकि जो क्रम्स हैं हमारे ये टूट जाए। अब क्या करेंगे, ये हमारे सारे मिक्स होने के बाद
धीरे धीरे इसको अब हमने और नज़दीक लाना है और इसको थोड़ा हमारे बैटर को प्रॉपरली डो का रूप देना है। ये मैंने जो है ल्यूक वार्म मिल्क ले लिया है, रूम टेम्परेचर पे ले लो नहीं तो, और इसमें एक एक चम्मच करके आपने डालना है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना, धीरे से डालते जाएं और इसको फिंगर से मिक्स करते जाएं। ध्यान रहे आटे की तरह नहीं गूंदना, बार बार याद दिलाती हूँ मैं, इसको फिंगर से इकट्ठा करना है और 1 by 1 स्पून इसमें मिल्क का डालना है, एक साथ भी नहीं डालना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलता है। ये देखो हमारे इकट्ठे होने शुरू हो गए ये, ठीक है ना, बस अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ज़रा सा मैं और दूध डाल देती हूँ। आपने देखा 2.5 स्पून ही डाला है ये। बस अब क्या करेंगे, हमारा ये जो डो रेडी हो गया है, इससे क्या करेंगे, या तो आप इसको सारा इकट्ठे को फ्लैट कर लो और उसके आप पीसेस कर लो, तो इक्वल साइज़ के आपकी कुकीज़ बनेंगी। लेकिन मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है कि आपको कितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप ये थोड़ा सा लें, इसको राउंड करें हाथ पे और हल्का सा फ्लैट कर दें, और आपको ज़्यादा शेप चाहिए इसको सेंटर में आप प्रेस भी कर सकते हैं। ऐसे हमने ये कुकीज़ बनानी है, या फिर आपके पास शेप्स हैं तो आप इसको फ्लैट करके बिछा दें और शेप से काट लें। इस बीच मैंने ये बेकिंग ट्रे तैयार कर ली है, इसमें आपको तो पता ही है कि मैं नीचे पहले हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, ऊपर ये बटर पेपर हो गया और ऊपर भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब जितनी भी मैं ये कुकीज़ बनाऊँगी, कोकोनट कुकीज़, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाती जाऊँगी, और ये बस मैं जो है हमारी बेकिंग ट्रे में ये कुकीज़ रखती जाऊँगी। और एक और मैं आपको टिप देती हूँ, अगर आप चाहें तो इस कुकी को आप कोकोनट का जो चूरा होता है ना, उसमें एक बार रैप भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बनाऊंगी, तो आप देख लेना आपको रैप करके करना है या एज इट इज़ रखनी है। तो ये लीजिए, मैंने तो कुकीज़ बना के हमारी बेकिंग ट्रे में सेटल कर दी हैं। अब क्या करूँगी, इसको मैं 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि ये जो हमने हाथों से किया है इसमें थोड़ा सा हीट की वजह से ना सॉफ्ट हो जाती है, तो 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद इसको मैं बेक कर लूँगी। ये लीजिए फ्रिज में रखे हुए इसको 20 मिनट्स हो गए हैं, और इसका मैं क्लिंग रैप निकाल देती हूँ। तो बस अब इन्हें मैं जो हमारा ओवन है वो मैंने प्री हीटेड कर लिया है, मैंने बिल्कुल पहले ही ऑन कर दिया था, और फटाफट इन कुकीज़ को मैं ओवन में रखती हूँ 150 डिग्री सेल्सियस पर 15 टू 20 मिनट्स के लिए। लेकिन नज़र इसी पर रहेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ओवन का जो हीट है ना वो कम ज़्यादा होने से आपकी कुकीज़ ज़्यादा डार्क हो सकती हैं, इसलिए आप भी नज़र ज़रूर रखें, लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस पर 15 टू 20 मिनट्स के लिए ओवन में। लीजिए हमारी कोकोनट कुकीज़ तैयार हैं, और जब ये ठंडी हो जाएं तो आप इन्हें निकाल कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और डेली चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं।